नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीबीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने जा रही हैं कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो सुहागन की। दोस्तों, सीरियल सुहागन की कहानी में ना आपको देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से अब स्वराज जुटाएगी सबूत कोयल और ध्वनि के खिलाफ, और प्रभा के खिलाफ उसके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है उसे इंसाफ दिलाने के लिए सबूत का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमारी स्वराज जुट गई है सबूत इकट्ठा करने में, तो वहीं दूसरी तरफ ध्वनि और कोयल जुट गए हैं सारे सबूतों को मिटाने के लिए, जिसमें एक सबसे बड़ा सबूत और अहम सबूत है दादी जी, जिसे जो है कोयल और ध्वनि मिलकर ध्वनि स्वरा से और घर वालों से दूर रखना चाहते हैं, उसका इलाज भी नहीं होने देना चाहते हैं। ऐसे में स्वरा उनका इलाज करके उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे पहले ही कोयल बीच में आके दादी को अस्पताल भेज देती है और वहां डॉक्टर को खूब सारे पैसे देकर उसने सेट कर रखा है कि वो जो है दादी को पैरालाइज से कभी ठीक ही ना करें और वो हमेशा ऐसे ही पड़ी रह जाए, मगर यहाँ स्वरा ऐसा नहीं होने देगी। तो वहीं दूसरी तरफ हमारी जो स्वरा है ध्वनि और कोयल की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेगी, जहाँ ये दोनों मिलकर आगे की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होंगे कि कैसे दादी को जो है सालों पहले हुए राज के बारे में सब कुछ पता है, मैंने बहुत मेहनत से प्रभा से उसका सब कुछ छीना है और जो चीज़ प्रभा का नहीं था मैंने वो सब छीना, जो प्रभा नहीं थी मैंने वो भी उसे बना दिया, प्रभा जैसी लड़की तो हो ही नहीं सकती है, मगर मैंने अपनी चालों से अपनी चलाकियों से जो है रुद्र जी को प्रभा दीदी के खिलाफ कर दिया और देखो आज वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। तो तमाम तरीके की चीज़ें जो है ना ध्वनि और स्वरा के बीच में बातें हो रही होंगी, जिसे विद्यू के थ्रू रिकॉर्ड कर लेने वाली है स्वरा अपने फ़ोन में और जाकर दिखाने वाली है रुद्र को, और रुद्र को देखने के बाद जो रुद्र है ना उसे देखने के बाद काफ़ी शॉक्ड होगा और गुस्से से पागल हो जाएगा, और उसके बाद वो ध्वनि और स्वरा पर ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता भी नज़र आने वाला है। तो गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है सीरियल सुहागन का आगे आने वाला ट्रैक।